پاکستان اسٹیل میں شہتیر ساز کارخانہ، کولڈ رولنگ مل اور ہاٹ اسٹرپ مل کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ ان شعبوں کے ذریعے پاکستان اسٹیل کو اپنی مصنوعات فروخت کرنے سے بہترین منافع حاصل ہوتا ہے۔ شہتیر ساز کارخانے نے 11 اکتوبر 1982 سے پیداوار کا آغاز کیا تھا۔ 25 دسمبر 1983 کو ہاٹ اسٹرپ مل کی تکمیل سے ملک میں فولادی چادریں، پٹیاں اور تھان جیسی اہم مصنوعات کی تیاری کے دور کا آغاز ہوا۔ ہاٹ رول چادروں اور پٹیوں سے کولڈ رول چادریں اور پٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ ہاٹ اسٹرپ مل کی مصنوعات چھوٹے، درمیانے اور بڑے قطر کے فولادی پائپ، کاروں، بسوں اور دوسری گاڑیوں کی باڈیاں، ریلوے ویگن، ٹرانسفارمر، بوائلر، بڑے ٹینک اور بحری جہازوں کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان اسٹیل کا اپنا بجلی گھر ہے جو بجلی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان اسٹیل میں آکسیجن تیار کرنے کا کارخانہ بھی موجود ہے۔ اس کارخانے میں گیس اور مایا آکسیجن اور نائٹروجن تیار کرنے کے لیے 2 یونٹ نصب ہیں۔ پاکستان اسٹیل میں اشیاء کی نقل و حمل کے لیے پاکستان اسٹیل کے اندر تقریباً 40 کلومیٹر طویل ریل کی پٹریاں بچھائی گئی ہیں، جن کے ذریعے مختلف کارخانوں کو ایک دوسرے سے مربوط کیا گیا ہے۔ ان پٹریوں پر ٹرینوں کے ذریعے سیال فولاد کی نقل و حمل بھی کی جاتی ہے۔ پاکستان اسٹیل کا سب سے اہم شعبہ آہن ساز کارخانہ ہے۔ اس آہن ساز کارخانے میں 2 جھکڑ بھٹیاں جو بلاسٹ فرنس کہلاتی ہیں نصب ہیں۔ ہر بلاسٹ فرنس کی گنجائش 1750 ٹن پگھلی ہوئی دھات یومیہ ہے۔ پہلی بلاسٹ فرنس نے 14 اگست 1981 کو پیداوار شروع کی، جبکہ دوسری بلاسٹ فرنس نے 14 اگست 1984 سے پیداوار کا آغاز کیا۔ آہن ساز کارخانے کا تیار شدہ پگارن پاکستان اسٹیل کی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ
मुल्क के दूसरे कारखानों की ज़रूरियात भी पूरी कर रहा है। पाकिस्तान स्टील के मंसूबे के 40 साल मुकम्मल होने वाले हैं। इस इदारे में जहां आगो आहन से बरसरे पैकार मुलाजमीन मुल्क के लिए लोहे की पैदावार को यकीनी बनाने के लिए दिन रात अपना पसीना बहाते हैं, वहीं ये भी हकीकत है कि इन 40 सालों में पाकिस्तान स्टील ने नशेब व फराज के मुख्तलिफ अदवार का सामना भी किया है। पैदावारी अमल के माहो साल बड़े हंगामा खेज और पुराशोब रहे हैं। इस इदारे में कभी लिसानी तफरीक पर मसाइल पैदा किए गए, कभी सियासत की गर्म बाजारी ने हंगामों को जन्म दिया, कहीं मफाद परस्त अनासिर ने इस इदारे को नुकसान पहुँचाया तो कहीं बदउनवान अनासिर ने इस अहम तरीन कौमी इदारे की जड़ों पर वार किया। लेकिन फौलाद साजी का ये कारखाना अपने अंदर फौलादी सिफात का हामिल निकला और इन तमाम मज़मूम कोशिशों के बावजूद ये आज भी अपने कदमों पर खड़ा हुआ है। इस इदारे की सरबराही के लिए मुख्तलिफ अदवार में फौज और सिविल शोबे से अफसरान का इंतखाब किया जाता रहा है। हर आने वाला सरबराह माजी के सरबराहों को तनकीद का निशाना बनाकर अपने इकदामात को तीर बहादुर करार देता रहा और इस बड़े कौमी इदारे का सरबराह होने के नाते तरक्की और कामयाबी के ढोल बजाता रहा। 2006 में निचकारी कमीशन ने पाकिस्तान स्टील का सौदा एक ऐसे कंसोर्शियम के हाथों किया जिसमें अत्तौराखी ग्रुप भी शामिल था। निचकारी कमीशन ने 21.68 अरब रुपए में पाकिस्तान स्टील को फरोख्त कर दिया। इस फरोख्त के बाद मुल्क भर में चेमी गोइयां होने लगीं। इस इदारे को जिस कीमत पर फरोख्त किया गया था वो एक सवालिया निशान बन गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मुकदमे की समाअत के बाद जब फैसला सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान स्टील की फरोख्त के माहदे को मनसूख किया तो मुल्क के बहुत से हलकों ने इस पर खुशी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत ने नहायत संजीदगी से फैसला किया कि इस इदारे को उसकी असल रूह के मुताबिक चलाया जाए। इस हवाले से हुकूमत की निगाह इंतखाब मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जावेद हिलाल इम्तियाज मिलिट्री पर आकर ठहर गई। मेजर जनरल मोहम्मद जावेद ने जनवरी 2004 से अप्रैल 2006 तक पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से खिदमात अंजाम देकर ये साबित कर दिया था कि वो मुख्तलिफ नौ और हमा जहत इदारे की सरबराही एहसन तरीके से अंजाम दे सकते हैं। मेजर जनरल मोहम्मद जावेद ने वस्त सितंबर 2006 में चेयरमैन पाकिस्तान स्टील की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाली। इब्तिदा में इन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों और बालिग नजरी को मशल राह बनाकर इन मुश्किलात पर काबू पा लिया। गुजरते हुए वक्त के साथ पाकिस्तान स्टील ने कामयाबी और तरक्की की जानिब नए सफ़र का आगाज किया। जून 2006 में मुख्तलिफ फनी व दीगर वजूहात की बिना पर पाकिस्तान स्टील की मसनूआत की फरोख्त में 2 अरब रुपए की कमी आ चुकी थी जबकि पैदावारी गुंजाइश घटते घटते 62% तक पहुँच गई थी जिसकी वजह से इदारे को मुनाफे में भी कमी का सामना था। मेजर जनरल मोहम्मद जावेद ने अपने पेशरो सरबराहान के बरखिलाफ अपनी तमाम तवज्जो इदारे की बहाली पर मरकूज कर दी और दिन रात की मेहनत और तगोदो के बाद वो पाकिस्तान स्टील को उस मकाम तक ले आए कि माली साल 2006 के अख्तिताम तक पाकिस्तान स्टील की पैदावार 62% से बढ़कर 90% हो गई जिसके नतीजे में पाकिस्तान स्टील ने मसनूआत की तैयारी और फरोख्त के अहदाफ को हासिल करते हुए 2.66 अरब रुपए का खालिस मुनाफा हासिल किया। माली साल 2007-08 के पहले माह में पाकिस्तान स्टील ने मसनूआत की फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम किया जो पाकिस्तान स्टील की 25 साल पैदावारी तारीख में किसी एक माह में मसनूआत की फरोख्त का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। जुलाई 2007 में 3.63 अरब रुपए की रिकॉर्ड फरोख्त हुई।